सो यो गाइस गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एंड या अगर तुम लोग भी अपना नॉर्मल माइनक्राफ्ट का स्टार्ट स्क्रीन कुछ ऐसे से जो है कुछ ऐसा बनाना चाहते हो, खुद का एक कस्टम स्टार्ट स्क्रीन बनाना चाहते हो, तो इस वीडियो के अंदर देखना, बिकॉज इस वीडियो के अंदर जो मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं कि कैसे तुम लोग अपना खुद का कस्टम स्टार्ट स्क्रीन बना सकते हो, सो वीडियो के अंदर जरूर देखना। एंड बाकी देखो, इसके लिए तुम लोग को एक दो पैक तुम्हें डाउनलोड करना पड़ सकता है, जो कि मैं कमेंट सेक्शन में दे दी आवाज से जाकर तुम लोग डाउनलोड कर लेना। एंड बाकी अगर तुमने कुछ भी डाउट आता है तुम कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं वहां से तुम्हें रिप्लाई कर दूंगा। एंड बाकी वीडियो के अंदर जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर ही मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे करना है। सो लेट्स मूव टू द वीडियो। एंड अवेलेबल दिखाओ, अगर तुम लोग सब्सक्राइब करो ना करो, बट यार लाइक जरूर कर देना, बिकॉज यार बहुत ज्यादा मेहनत लगे बनाने में। सो लाइक जरूर कर देना। एंड बाकी तो लेट्स मूव टू द वीडियो। सो वेल देखो, अभी तुम लोग अपना कोई भी एक ब्राउजर ओपन करना है, और यहाँ पे जो तुम्हें वेब लॉगिन सर्च करना है, और यहाँ पे कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगा। फिर तुम लोग जो है यहाँ पे ऊपर फाइल वाला जो दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से प्लग इन वाले पे जाना है, और यहाँ पर आकर जो तुम लोग को सर्च करना है माइनक्राफ्ट टाइटल जनरेटर। सो ये वाला प्लग इन तुम्हें सर्च कर लेना है, और तुम्हें सर्च करने के बाद जो तुम्हें इस पर क्लिक करके जो तुम्हें इंस्टॉल करना है। फिलहाल तो मेरे को जो है यहाँ पे अनइंस्टॉल दिखा रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा हूँ। तो अगर तुम लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया तो यहाँ पे तुम्हें इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, तो इंस्टॉल कर लेना। एंड इंस्टॉल करने के बाद जो तुम्हें यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे तुम्हें माइनक्राफ्ट टाइटल दिखेगा। फिर यहाँ पे क्लिक करके जो तुम्हें यहाँ पे जो क्रिएट वाले पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर जो तुम लोग को जो भी लाइक तुम्हें टाइटल बनाना है उसका लाइक कोई भी नाम लिख दो। यहाँ पे फिलहाल जो है मैं यहाँ पे गेमर बनी लिख देता हूँ। एंड बाकी जो नीचे तुम लोग को यहाँ पे फॉन्ट्स वगैरह मिलेंगे, अब तुम्हें जो सा तुम्हें पसंद है वो तुम लोग सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे तुम्हें अलग अलग वैराइटीज मिल जाएंगे, तो जो तुम्हें पसंद है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। देखो अगर तुम लोग को जो है नॉर्मल माइनक्राफ्ट की तरह तुम्हें टाइटल बनाना है, तो जो ऑलरेडी इधर दिया हुआ है उसे सेलेक्ट करो, वरना तुम्हें अलग से भी कर सकते हो। और बाकी यहाँ पे टेक्सचर में आते, यहाँ पे तुम लोग को अलग अलग लाइक यहाँ पे जो कलर्स मिल जाएंगे, जो तुम्हें पसंद है वो तुम लोग यहाँ से कर लेना। बट फिलहाल तो मैं नॉर्मल वाले रखा, क्योंकि मुझे सादा सा बनाना है। सो हाँ, ये सब करके तुम लोग को होने के बाद जो तुम लोग का फिनिश का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर तुम लोग को दोनों हाथ से जो तुम लोग को थोड़ा सा जूम कर लेना, क्योंकि ये अलग अलग रोटेट हो जाएगा तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर उसके बाद जो तुम लोग यहाँ पर जो है रेंडर पे आना है, और यहाँ पे जो कैमरा वाले पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जो तुम लोग को 2K पे सेलेक्ट करना है, और इस वाले बटन पे तुम्हें क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे जो है रेंडरिंग हो जाएगा। एंड बाकी थोड़ी देर रुकने के बाद जो तुम लोग यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, तो तुम लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और बाकी देखो यहाँ पे तुम्हें सेव रेंडर आ रहा है, उस पर क्लिक करके जो तुम्हें इसे सेव कर लेना है, जो कि तुम्हारे डिवाइस में सेव हो जाएगा। सो हाँ, तो अभी तुम लोगों ने जिसे डाउनलोड किया उसको जो है तुम लोग को रिनेम करके जो है तुम्हें यहाँ पे टाइटल लिख देना है इसका। एंड बाकी तुम लोग को जो है कस्टम स्टार्ट स्क्रीन करके एक पैक दिया हो डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में, उसे डाउनलोड कर लेना। वेल इसको जो तुम लोग अभी जो है कॉपी कट कर लेना, बाकी आप टेक्सचर में यूआई में आना हो, यहाँ पे जो तुम लोग को पेस्ट कर देना। वेल देखो यहाँ पर जो तुम लोग बनी वन बनी टू करके जो तुम लोग एक मिल जाएगा। वेल तो इसे जो तुम लोग रिप्लेस कर देना, जो भी तुम्हारा इमेज होगा लाइक जो तुम लोग को बैकग्राउंड में चाहिए वो इमेज से जो है यहाँ पे रिप्लेस कर देना है। मतलब जो तुम्हारा इमेज है उसको बनी वन लिख के जो यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देना है, तो वो जो तुम्हारे माइनक्राफ्ट के बैकग्राउंड में आएगा। एंड बाकी देखो जो भी तुम लोग अभी बैकग्राउंड लगा रहे हो ना, इसे यहाँ से कॉपी कर लेना, और बैक आके जो तुम्हें यहाँ पे पेस्ट करना है, और इसको जो तुम लोग को रिनेम करना है पैनोरामा 0 से, लाइक जो तुम लोग को यहाँ पे पैनोरामा लिखना है, और उसके बाद जो तुम लोग को ऐसे जो है 0 डाल देना है। फिर या इसी चीज़ को जो है तुम लोग को 5 तक लिखना है, तो इसको दोबारा से कॉपी पेस्ट करना है। फिर इसको जो है दोबारा से तुम लोग को जो इसको रीनेम करके पैनोरामा 1 लिखना है। तो या ऐसे जो है तुम लोग को 5 तक बनाना है, तो या मैं जल्दी से यहाँ से 5 तक बना लेता हूँ। सो या तो ऑल राइट गाइस, तो अभी यहाँ पे जो मैंने 5 तक बना लिया हो, तो तुम्हें कुछ इस तरह से बनाना है। और यहाँ पर जो तुम लोग को ये सब जो अभी तुमने बनाया है उसको सब जो है सेलेक्ट कर आप करके जो कॉपी या कट कर लेना, और टेक्सचर्स में आके यूआई में जो तुम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देना है। एंड इसके बाद जो तुम लोग यहाँ पे पेस्ट होने के बाद बैक चले जाना है, और बैक आने के बाद जो तुम लोग ऊपर यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, मल्टी सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे सेलेक्ट ऑल करना है, फिर लॉन्ग प्रेस करके जो तुम्हें यहाँ पे कॉम्प्रेस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जो डॉट ZIP है उसको हटा के जो तुम्हें MC पैक लिखना है, और या फिर इसके बाद तुम्हें जो यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद जो है तुम लोग को यहाँ पर जो है इसके गेम में ओपन कर सकते हो, तो तुम्हें बस इसके ऊपर क्लिक करके एरो पे क्लिक करके अपने गेम में ओपन कर लेना है। सो 9 गेम में ओपन के बाद जो है तुम लोग को यहाँ पे अपने सेटिंग्स पे जाना है, और यहाँ से जो तुम लोग अभी जाना है अपने ग्लोबल रिसोर्स में, और यहाँ पर माई पैक्स में आओगे तो तुम लोग को जो कस्टम स्टार्ट स्क्रीन जो फाइल है यहाँ से जो तुम लोग को एक्टिव कर लेना है। एंड इसके बाद जो तुम लोग यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा, फिर यहाँ से तुम लोग बैक कर देना। अभी जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे लोड होने के बाद जो तुम लोग अपना बैकग्राउंड चेंज हो चुका है, और साथ जो टाइटल भी वो चेंज हो चुका है। सो कुछ इस तरह से तुम लोग कर सकते हो। सो तो तुम लोग यहाँ पे जो भी बैकग्राउंड चाहिए वो तुम लोग लगा सकते हो। एंड बाकी यहाँ पे भी तुम लोग प्ले पे जाते हो, तो यहाँ पर भी जो तुम लोग का बैकग्राउंड चेंज मिलेगा। एंड ये तो वीडियो, एंड होप सो कि तुम लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड जो भी डाउनलोड करने वाले चीजें थे सब जो तुम्हें कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाकर तुम लोग डाउनलोड कर लेना। एंड अगर इस वीडियो पे जो अच्छा खासा रिस्पांस मिलता है, तो ऐसे माइनक्राफ्ट से रिलेटेड और भी चीजें मैं तुम्हें सिखाऊंगा। एंड बाकी तुम लोग ये वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना नहीं करना वो तुम्हारी मर्जी, बट या लाइक जो कर देना, बहुत ज्यादा मेहनत लगा है। एंड बाकी तो मिलता है वीडियो में। सो तब तक के लिए गुड।